वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम बीबीए सीएमए के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स फिनांस अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच अकाउंट्स रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। इसका नाम क्या है? फॉर्मेट ऑफ सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, आपको जो डेटर्स अकाउंट है वो आपको बनाना पड़ सकता है ब्रांच अकाउंट्स के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि आपका जो डेटर्स है उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं देगा या क्रेडिट सेल आपने कितना डेटर्स को किया है इसका इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो सबसे पहला हम लोग का वर्क रहेगा कि सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बना के क्लोजिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल या और भी जो तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन है डेटर्स रिलेटेड उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको क्या किया है, बताया है कि ब्रांच अकाउंट किसे कहते हैं, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और ब्रांच अकाउंट रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बना के क्या किया है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। अब जो क्वेश्चन आएगा 3, 4, 5, 6 वो सब में आपको क्लोजिंग डेटर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिए, क्लोजिंग डेटर्स फाइंड आउट करने के लिए हमको सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए, चाहे आपका ब्रांच अकाउंट हो, चाहे आपका सिंगल एंट्री सिस्टम हो, डिपार्टमेंटल अकाउंट हो, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो आज हम लोग इंटायर फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि सन्ड्री डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे हम लोग क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न यानी डेटर्स अकाउंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रांच अकाउंट्स में जनरली जो आपको निकालने के लिए पड़ेगा क्या, क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट। क्या पड़ेगा? क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और साथ में कोई कोई क्वेश्चंस में आपको क्रेडिट सेल्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्या है, मेरा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले बोलते हैं आप कितने कॉलम्स बनाएंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। और किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट। क्या बोलते हैं हम लोग, डेबिट। और राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट, राइट। इतना तो आप समझते ही होंगे। अब देखिए, हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड जो जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग देखेंगे और देखेंगे वो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है, वो कौन कौन सा जर्नल इंट्रीज है जिसमें डेटर्स अकाउंट या तो डेबिट हुआ है या तो क्रेडिट हुआ है। ध्यान से, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जर्नल से लेजर बनाने के लिए, तो जो जर्नल इंट्रीज होता है उसी के सहायता से क्या बनता है आपका लेजर अकाउंट्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, आपके सुविधा के लिए जर्नल इंट्रीज भी लिखते हुए चले जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, राइट। तो सबसे पहले ये जो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ड क्या है, सन्ड्री डेटर्स, राइट। अगर सिर्फ रहता आपका क्या, डेटर्स अकाउंट, क्या रहता, डेटर्स अकाउंट, तो सिर्फ डेटर्स अकाउंट रहेगा तो समझ जाइएगा उसमें सिर्फ एक देनदार के बारे में इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने क्या किया, कृष्णा को 1 लाख का सामान उधार बेचा, तो वहां पे कौन सा खुलेगा आपका, डेटर्स अकाउंट। कौन सा, डेटर्स यानी कृष्णा से अकाउंट। जब एक डेटर्स का इन्फॉर्मेशन रहता है तो क्या खुलता है, डेटर्स अकाउंट। और जब दो या दो से ज्यादा डेटर्स को एक साथ हम लोग अकाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, विविध देनदार खाता, राइट। तो आप समझ लो डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स में क्या अंतर होता है। डेटर्स में एक डेटर्स का इन्फॉर्मेशन रहेगा और सन्ड्री डेटर्स में दो या दो से ज्यादा। तो सबसे पहले डेटर्स का आपका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस। डेटर्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू लिखेंगे बैलेंस, टू बैलेंस हम लोग क्या लिखेंगे, बीडी। जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो लिख देंगे। और ये जो टू बैलेंस बीडी है ना, ये कौन सा बैलेंस है आपका, ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है जी आपका, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। और क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे जी हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे हम लोग,
क्लोजिंग बैलेंस राइट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिया हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस। और जनरली ब्रांच अकाउंट में आपको यही अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन वाला, क्लोजिंग बैलेंस वाला राइट। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया मैंने। अब हम लोग उस सारे ट्रांजेक्शन के बारे में देखेंगे जिस ट्रांजेक्शन से आपका डेटर्स अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका ट्रांजेक्शन नंबर वन, यहाँ पर लिखते हैं ना ट्रांजेक्शन नंबर वन। अब थोड़ा सोचिए कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें डेटर्स अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो आपका क्या होगा, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब उधार सामान बेचते हैं, क्या करते हैं, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हम लोग उधार सामान बेचते हैं तो वहां पे एंट्री हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स, क्या करते हैं हम लोग, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखते हैं हम लोग, सेल्स अकाउंट लिखते हैं ना जी, हम लोग क्या लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब हम लोग उधार सामान बेचते हैं तो। तो ये तो हो गया आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हम आशा करते होंगे कि ये सब आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधार सामान बेचने का एंट्री हुआ। अब हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सैलरी डेटर्स अकाउंट। और देखिए पोस्टिंग कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, पहले से भी आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट राइट। अब आप देखिए कि एंट्री में डेटर्स अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, तो डेटर्स अकाउंट क्या है आपका, डेबिट है, क्या है, डेबिट है। तो जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर डेबिट रहेगा तो पोस्टिंग कहां होगा, डेबिट साइड, कहां होगा पोस्टिंग, डेबिट साइड। और क्रेडिट रहेगा तो कहां पोस्टिंग होगा आपका, क्रेडिट साइड। एक बार फिर से, जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर वो अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, अगर डेटर्स अकाउंट क्रेडिट रहता तो कहां पोस्टिंग होता, क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। अब सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट, एंट्री में डेबिट है तो हम लोग पोस्टिंग कहां करेंगे, डेबिट में, कहां करेंगे, डेबिट साइड। और ध्यान से देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड, तो आपके साथ में सब्सिडरी कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है सब्सिडरी, सेल्स, कौन सा अकाउंट है सेल्स, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से, कभी भी डेटर्स अकाउंट में टू डेटर्स या बाय डेटर्स नहीं होगा, उसके साथ जो आपका सब्सिडरी अकाउंट रहेगा उसके द्वारा पोस्टिंग किया जाता है। तो पहला हो गया जी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा एंट्री का, दूसरा एंट्री क्या हो सकता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से आपको पैसा भी तो मिल सकता है ना, तो जब पैसा मिलेगा डेटर से तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर से कॉन्सेप्ट, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट, एंट्री में डेटर्स डेबिट में या क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग कहां होगा मेरा, क्रेडिट साइड, कहां होगा, क्रेडिट साइड। और इसके साथ सब्सिडरी कौन सा अकाउंट है, कैश, कौन सा अकाउंट है, तो कैश। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट राइट। ये हो गया कैश अकाउंट, लिख दीजिए कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम क्या हो गया आपका, डेटर्स राइट। तो ये हुआ कैश मिला। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका डेटर्स है वो कैश की जगह पे क्या देता है आपको, चेक, क्या देता है, चेक। और ये मान के चलते हैं कि जो चेक मिला उसी दिन जाके आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया राइट। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक को, तो एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, बैंक, क्या हो जाएगा मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स अकाउंट। फिर से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट, एंट्री में डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग कहां होगा, क्रेडिट में। और सब्सिडरी कौन सा अकाउंट है, सब्सिडरी कौन सा अकाउंट है, बैंक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे आपका, बैंक अकाउंट, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, चेक, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्या लिख देंगे, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स राइट। तो आपका हुआ क्या, चेक के द्वारा और आपका कैश के द्वारा पेमेंट हो सकता है, ठीक है। और भी तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है इसमें सेल्स, इसमें डेटर्स अकाउंट या तो डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा। देखिए आपने उधार सामान बेचा, डेटर्स को उधार सामान बेचा, और किसी कारण से डेटर्स क्या किया, सामान को रिटर्न कर दिया, तो क्या कहलाएगा आपका, सेल्स रिटर्न, क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या हो जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न अकाउंट,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, राइट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और देखिए सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवॉइस। क्या है? रिटर्न इनवॉइस। उसको मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, तो आपका हो जाएगा रिटर्न इनवॉइस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स अकाउंट। टू क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवॉइस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स अकाउंट, राइट। तो फिर देखिए कौन सा अकाउंट बना रहे, डेटर्स, एंट्री में डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में डेटर्स है, तो पोस्टिंग कौन सा होगा, क्रेडिट साइड में, और सब्सिडियरी अकाउंट कौन सा है, सेल्स रिटर्न। तो हम एक ही को क्या लिख देंगे, हम एक ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा भाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न की जगह आप रिटर्न रिवार्ड भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न हो गया। मान लेते हैं कि आप किसी को उधार सामान बेचे, आप किसी को उधार सामान बेचे और क्या हुआ, आपका क्या हुआ, पैसा क्या हो गया, डूब गया। मतलब वो जो जिसको उधार सामान बेचे उसका डेथ हो गया, या पैसा किसी कारण से नहीं दे पाया, या आपका क्या हो गया, भाग गया, तो आपको पैसा नहीं मिल पाया, तो आपका जो डेटर्स है, जो ऋण था, वो क्या हो चुका है, बैड डेट्स, ऋण क्या हो चुका है आपका, डूब चुका है, पैसा मिलने वाला नहीं है। तो वहां पर जो हम लोग खाता खोलते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखते हैं हम लोग, डेटर्स अकाउंट। क्या लिखते हैं हम लोग, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेटर्स अकाउंट, राइट। तो देखिए डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में कहां है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडियरी कौन है आपका, बैड डेट्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, बैड, क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट। बात समझे, बैड डेट्स अकाउंट क्या किया मैंने, लिख दिया। कभी कभी क्या होता है कि जो डेटर्स है उसको हम लोग क्या देते हैं, डिस्काउंट, क्या देते हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउट जब हम लोग करेंगे, डिस्काउंट अलाउड जब हम लोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, डेटर्स अकाउंट, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, डेटर्स अकाउंट, राइट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में कहां, क्रेडिट साइड में, तो पोस्टिंग कहां होगा मेरा, क्रेडिट साइड में, राइट। तो क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट, बाय क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, राइट। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका डेटर्स है, ना तो वो पेमेंट के तौर पे कैश देगा, ना ही चेक से पेमेंट करेगा, बिल से पेमेंट करता है। किससे करता है, बिल से। क्लास 11 के अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, राइट। तो वहां पर क्या होता है, जब बिल से पेमेंट करता है तो इंट्रो जाता है क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या होता है मेरा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू क्या होता है मेरा, डेटर्स अकाउंट। टू क्या होता है मेरा, डेटर्स अकाउंट। बिल से पेमेंट करेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में क्रेडिट है डेटर्स, तो पोस्टिंग कहां होगा, क्रेडिट साइड में, और सब्सिडियरी कौन सा अकाउंट है, बिल रिसीवेबल। सब्सिडियरी कौन सा अकाउंट है आपका, बिल रिसीवेबल। तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। क्या कर देंगे हम लोग, बिल रिसीवेबल क्या कर देंगे, अकाउंट कर देंगे, राइट। तो ये इतना सारा एंट्रीज हुआ। अब क्या होता है, और भी कुछ डेटर्स अकाउंट रिलेटेड एंट्रीज हो सकता है। देखिए जगह का कमी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे लिखने का कोशिश करेंगे, और हम आशा करते होंगे ये सब एंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा। अब होता क्या है कि कभी कभी जो बिल्स मिला है ना, बिल्स मिला डेटर से, तो क्या होता है, उससे पैसा कलेक्शन हो पाता नहीं है, तो बिल्स क्या कर जाता है, डिसऑनर। क्या कर जाता है आपका, डिसऑनर। तो जब बिल्स आपका क्या करेगा, डिसऑनर करेगा, तो एंट्री उल्टा हो जाता है। तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, हम लोग एंट्री पास करते हैं डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या करते हैं हम लोग, बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसका पोस्टिंग कहां होगा, डेबिट साइड में। कहां होगा इसका पोस्टिंग, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। लेकिन ये किसका वाला है, डिसऑनर वाला। किसका वाला है आपका, डिसऑनर वाला। ये वाला कौन था, ऑनर वाला, जब आप एक्सेप्टेड होके मिला था, और ये कौन सा है आपका, डिसऑनर वाला। देखिए एक एंट्री और हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जगह का कमी है, कहाँ पे लिखू मैं, चलिए यहीं पे लिखता हूँ, देखिए जगह पे है, यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, सॉरी। क्या होगा कि जब आपको बैंक से मिला था ना, मिला था आपका चेक, तो कभी चेक भी क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है। तो जब चेक डिसऑनर हो जाएगा, तो फिर से हम लोग एंट्री पास क्या करेंगे, डेटर्स,
डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू क्या करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, क्या करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम आशा करते होंगे दिखाई पड़ रहा होगा ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिसऑनर का है राइट। तो आपका डेटर्स अकाउंट है डेबिट में तो पोस्टिंग होगा डेबिट में, और साथ में कौन सा है आपका सब्सिडरी बैंक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग बैंक अकाउंट राइट। और ये किस इसका वाला है डिसऑनर वाला, किस इसका है डिसऑनर वाला ठीक है जी। तो इतना आपका क्या होगा सन्ड्री डेटर्स रिलेटेड आपका इंट्रीज और पोस्टिंग हो सकता है। देखिए तो सब कर दिया हमने, और हम लोग को निकालना क्या है क्लोजिंग डेटर्स, क्या निकालना है क्लोजिंग डेटर्स। देखिए सारा मैंने एंट्री के थ्रू आपका पोस्टिंग कर दिया, अब देखिए क्लोजिंग डेटर्स निकालना है ना, तो मान लेते हैं ये सब जोड़े ना तो आया कितना 1 लाख, कितना है आपका 1 लाख राइट, और ये सब जोड़े तो आया कितना 90,000, कितना है आपका 90,000, इधर जोड़े डेबिट में तो 1 लाख, इधर जोड़े तो कितना आया 90,000, तो जिधर ज्यादा रहता उधर ही दोनों में लिखते हैं, तो 1 लाख हो गया, ये भी कितना जाएगा आपका 1 लाख राइट। अब देखिए 90,000 था ना ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, तो 90 10 कितना जाएगा 1 लाख। तो देखें हमने क्या किया डेटर्स अकाउंट बना के हमने क्या किया क्लोजिंग डेटर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो चाहे क्लोजिंग डेटर्स फाइंड आउट करना रहे, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना रहे, जैसे आपको क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना रहेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा डेटा दे देगा, आप बैलेंस करके क्या कर सकते हैं क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपका कैश रिसीव्स आप डेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, डेबिट वाला क्रेडिट वाला लिख देगा, जो जिधर मतलब बैलेंस होगा वही वो चीज फाइंड आउट हो जाएगा। तो डेटर्स अकाउंट बना के चाहे क्लोजिंग डेटर्स हो ओपनिंग डेटर्स हो क्रेडिट सेल हो कैश रिसीव फॉर्म डेटर्स हो कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। तो ये क्या था इनचार्ट फॉर्मेट था किसका सन्ड्री डेटर्स अकाउंट्स का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑन कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी इस तरह का मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो यही एंड करते हैं, थैंक यू।